सिर्फ इसे डेकोरेटिव टेक्निक, इसको किसी भी एक पैनल, कपड़े का एक पैनल रेडी किया जाता है और उस पैनल में मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुकी हूँ, जाइए और सबसे पहले आप वीडियो देखिए क्योंकि उसमें शेप्स की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी शेयर की हूँ और उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछी हूँ जिसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पीएस डिजाइन फॉरएवर। गाइस, आज क्लास का 8वां दिन है एंड सबसे पहले मेरा नाम है प्रीति और मैं आपको दे रही हूँ फ्री ऑनलाइन फैशन क्लास। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के क्लास में हम जानेंगे गैदर के बारे में। गैदर क्या होता है? गैदर, जिसे आप चुन्नट भी कहते हैं, गैदर्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को छोटा करके उसके सिलवटे बना करके और सुई धागों द्वारा या मशीन द्वारा, हाथ से भी आप स्टिच कर सकते हैं और मशीन से भी उसे स्टिच कर सकते हैं। ध्यान देना कि कपड़े, जो कपड़ा होगा जिस स्पेस को आपको सिलना है उसके सिलवटे बनाने हैं, सिलवटे बना करके और देन उसको सुई धागों द्वारा स्टिच करनी होती है जिससे जो फैब्रिक होती है, जो हमारा कपड़ा होता है उसमें गैदर बन जाता है और छोटे छोटे सिलवटे तैयार हो जाते हैं। उससे आप कई ढेर सारे ड्रेस या काफ़ी लेयर बनाने हैं तो आप उस पर यूज कर सकते हैं। अब बात यह है गैदर्स कितने टाइप्स के होते हैं। गैदर्स टू टाइप्स के होते हैं, इसमें प्लीट्स एंड सीरिंग, ये दो तरीके आते हैं गैदर्स बनाने के। प्लीट्स, जिसे कपड़े को फोल्ड करके और प्रॉपर उसका मेजरिंग करके एंड पिंड करके उसे स्टिच की जाती है, ना कि उसे हाथ से या धागे के थ्रू स्टिच करके और डायरेक्टली उसको खींच करके गैदर बनाया जाता है। प्लीट्स का यूज़ ज़्यादा करके स्कर्ट में होता है। आप स्कूल यूनिफॉर्म का स्कर्ट देख लो या किसी फॉर्मल ड्रेस का स्कर्ट देख लो तो उसमें ज़्यादा करके प्लीट्स का यूज होता है। उसके अलावा भी कई ढेर सारे ऑप्शंस है प्लीट्स के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीरिंग का। सीरिंग इज अ डेकोरेटिव टेक्निक। सीरिंग एक छोटा सा पैनल, कपड़े का एक छोटा सा पैनल पे धागों द्वारा एक ऐसा थ्रेड जो इलास्टिक के जैसा होता है उससे स्टिच कर प्रॉपर उसको सीरिंग करके बनाई जाती है। वो पूरा एक पैनल पे तैयार होता है, जैसा कि आप मेरे ड्रेस पे देख रहे हो, इस पे प्रॉपर सीरिंग किया हुआ है। उसके अलावा ये गैदरिंग है, ये भी प्रॉपर श्रिंक करके ही बनाया गया है नेकलाइन पे। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपसे स्लीव्स का क्वेश्चंस मैंने पूछा था उसके बारे में। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है यानी 7वां डे का वीडियो नहीं देखा है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुकी हूँ, जाइए और सबसे पहले आप वीडियो देखिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपसे पूछी हूँ जिसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाली हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा। गाइस, क्वेश्चन का आंसर देते रहा कीजिए और कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, इसमें आप क्या लर्न कर रहे हैं, इसके बारे में आप मुझसे बताते रहिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस काफ़ी मोटिवेट करते हैं और मुझे कई ढेर सारे और टॉपिक आते हैं, समझ में आते हैं एक्स्ट्रा जो मुझे आपको शेयर करनी चाहिए। तो इस स्लीव को बोलते हैं टायर्ड पफ स्लीव बिकॉज इसकी कटिंग तो पफ के शेप में ही होता है, बट नीचे क्या होता है कि इसको प्रॉपर एक्स्ट्रा फैब्रिक ले करके इसको कटिंग कर दी जाती है। इसमें एक्स्ट्रा गैदर्स नहीं बने हुए हैं, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेकर के कट किया गया हुआ है और उसमें कफ लगाया गया हुआ है। कफ से फैब्रिक को क्या किया गया है, नॉट कर दिया गया है, टाई कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैदर्स बन जा रहे हैं और ये ऊपर भी हल्का सा गैदर बन जा रहा है एंड आपका ये पफ स्लीव हो जा रहा है। उसके बाद ये बैलून का लुक आ जा रहा है और यहाँ पे आपका गैदर या फ्रिल्स का लुक आ रहा है। गाइस, ये स्लीव सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला है इस टाइम और इस स्लीव का यूज़ सबसे ज़्यादा साड़ियों के साथ किया जा रहा है, ब्लाउज बना करके। उसके अलावा आप कुर्ती बनाते हो तो आप उस पर भी यूज कर सकते हो, क्रॉप टॉप ट्राई कर रहे हो, जींस के साथ कोई टॉप ट्राई कर रहे हो तो उसके साथ आप इस स्लीव को ट्राई कर सकते हो। गाइस, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अब मेरा सवाल ये है कि गैदर्स कैसे बनाया जाता है। गाइस, क्वेश्चन तो बनता है
तो गैदर्स कैसे बनाया जाता है, इसका आप आंसर मुझे अपना एक वीडियो बना करके शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना वीडियो बना करके मुझे शेयर करते हैं, और एक दिन मैं सारे वीडियोस को कलेक्ट करके और एक स्मॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बना करके शेयर कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। आपको भी कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए तो आप हमारे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंस्टा आईडी लिंक शेयर कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए और मुझे सारे आंसर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।